Hello everyone, how are you? I think you all are okay. So students, we are discussing mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट की पिछली डीपीपी, तीन डीपीपी आपके पास आ चुकी है. देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, ओनली न्यूमेरिकल. थियोरी एक आपके क्वेश्चन बनता होगा, बाकी थियोरी क्वेश्चन नहीं बनता है. तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कम ही मानी जाएगी, है ना. तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, तैयारी का लेवल बढ़ेगा. ठीक है, आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. मेरे हिसाब से तुम्हें एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकना है. अगर आप क्लास 11th में भी हैं तब भी आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, और नीट जेई कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल हैं. मेरे हिसाब से एक में भी अटकना नहीं है. फिर भी अटक जाओ तो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है ही सही. इसका पेपर मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और जितने सही हो मुझे फाइनली बता देना. शुरू करने से पहले ही बोल देती हूँ, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहला क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन इट्स सल्यूशन इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 80, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. अब बच्चे, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है आपने. मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल. तो आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बताओ. तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल. नाउ स्टूडेंट, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, तो हम कहेंगे 20. ठीक है, टोटल कितने हैं, ध्यान रखना. इस क्वेश्चन में गलती क्या होगी, बच्चा सोचेगा अच्छा 20 प्लस 80 ऐड कर देता हूँ. नहीं, टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 80. ठीक है, तो 2/8, 1/4 यानी 0.25. तो आपके पास आंसर जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन 2. कर लिया होगा, बोलो. और वही गलती तो नहीं करती थी 80 प्लस 20 100 करके 0.2, क्योंकि जो जल्दी जल्दी करता है ना, फिर वो ध्यान से पढ़ता नहीं, उसको लगता है फटाफट आंसर निकालो और उसमें थोड़ी गलती हो जाती. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ईजी है तब भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्वड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है, NaCl का मास दे रखा है आपको, है ना. NaCl का वेट कितना दे रखा है, तो हम कह रहे हैं NaCl का मास है 5.85 ग्राम वाटर, सॉरी 5.85 ग्राम NaCl. 90 ग्राम वाटर में है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो बच्चे, इस बार वेट दे रखा है, मास दे रखा है, मोलर मास. NaCl का मोलर मास आता है तुम सबको, Na का 23, Cl का 35.5, तो हम कहेंगे दिस इज 58.5. तो ठीक है, मास भी है मेरे पास और मोलर मास भी है, क्लियर. तो मैं मोल्स फाइंड कर लूँ, मास अपॉन मोलर मास, 5.85 अपॉन 58.5, सो दिस इज 1/10 यानी कि 0.1. ठीक है, नाउ 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो बच्चे वाटर के मोल निकाल लेते. तो गिवन मास 90, वाटर का मोलर मास H2, मोलर मास तो पता है ना, दो हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18. तो वाटर के मोल्स जो है 90/18 यानी कि 5 हो गया. ओके, अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इज. ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते भाई. मान लो मैं पहले NaCl के मोल फ्रैक्शन निकालूँ, तो NaCl के खुद के मोल कितने हैं, 0.1. टोटल मोल कितने हैं, तो 0.1 प्लस, तो 0.1 प्लस कितना है, 5. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बताओ, तो हम कहेंगे 0.1 अपॉन 5.1, मतलब तो हम कहेंगे 1/51. सॉल्व कर लो, ठीक है, तो क्या करोगे, 1/51, तो ये हो गया 0.019, है ना, 0.019, यानी लमसम मान लो 0.2, है ना. भाई 1/5 कर लेती तो क्या होता, 1/50 कर लेते, सॉरी. तो बोलो, तो हम कहेंगे कि हाँ, मान लो 0.1/5 कर लेते, सॉरी, हाँ 1/50 कर लेते, एक ही बात है ना. तो हम कहते भाई ये आता कितना, 0.2 के आसपास, सॉरी 0.02, मेरे पास ये आंसर क्या है, हाँ 0.019 है. ठीक है,
0.019 है, तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो ठीक है 1/50 हो जाता, 1/5.2, तो 1/50.02, तो 0.02 के आसपास हमारे पास आंसर है ना ऑप्शन से। आपके पास 0.2 भी है तो थोड़ा ध्यान से कर लेना, सिंपल है ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, आप देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने दे रखे हैं बच्चों, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल्स हैं हमारे पास 20, सॉल्यूट के मोल्स हैं 20, और टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल 80, ये तो अभी अपन ने निकाला ही था, टोटल मोल्स कितने हैं 80। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताऊँ है ना, तो सॉल्यूट के मोल अगर 20 है, मान लो ये बताना, अगर मैं एक सॉल्यूट निकाल दूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल 20, टोटल कितना था 80, तो हम कहेंगे 0.25 जो है वो हमारे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना होता है 1, तो हम कहेंगे हाँ एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना होता है, तो हम कहेंगे 1। तो बच्चे एक्स सॉल्यूट तुम्हारे पास कितना है 0.25, एक्स सॉल्वेंट तुम्हें फाइंड करना है, टोटल मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज ऑलवेज 1, तो आपके पास एक्स सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ पे 1 - 0.25 यानी कि 0.75। सो करेक्ट आंसर विल बी 0.75, ऑप्शन डी। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय मास इक्व सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज, अब देखो इक्व सॉल्यूशन ऑफ NaOH मतलब एक तो NaOH है और दूसरी चीज क्या है, वाटर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के मोल फ्रैक्शन बताने है ना, एक्स वाटर बताना है, ठीक है 10% बाय मास इक्व सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH का वेट कितना है, तो भाई NaOH का मास तो है 10 ग्राम और परसेंट है ना बच्चे, तो पूरा तो 100 है, NaOH 10 ग्राम है, तो वाटर का मास कितना है, तो वाटर का मास है 90 ग्राम। ठीक है, तो NaOH का मास 10 ग्राम, वाटर का मास आपके हो गया 90 ग्राम। यहां आप मोल निकालो, तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आया 1/4 यानी 0.25। अब आप यहां मोल निकाल दो, तो गिवन मास कितना है 90, मोलर मास कितना है 18, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताना है ना, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, तो बोलो 5 upon 5.25, सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, तो एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू पॉइंट उड़ा दो, तो ये हो गया तुम्हारे पास 500 upon 5.25। ठीक है, क्या करें, 5 से काट दें, 105। ठीक है, यानी 100 upon 105 और 5 से काट दें इसको, तो 20 और ये कितना हो गया 21, तो दिस विल बी 20/21, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 3.65 ग्राम HCl इज डिजॉल्व्ड इन 16.2 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बच्चे एक तो तुम्हारे पास HCl है, एक तुम्हारे पास वाटर है, 3.65 ग्राम HCl, इसका मास है 3.65, मोलर मास तो सबको पता है, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, Cl का 35.5, तो टोटल आएगा 36.5। ठीक है, अब वाटर कितना है, तो भाई वाटर का मास है 16.2,
ठीक है, वाटर का मोलर मास कितना है, तो वाटर का मोलर मास 18। ओके, मोल फ्रैक्शन निकालने, तो पहले मोल निकाल दो, तो 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आएगा तुम्हारे पास कितना, 1/10 यानी कि 0.1। ठीक है, और यहाँ आ जाओ, तो मास हो गया 16.2, मोलर मास हो गया 18। ठीक है, 18 और 162 है ना, 18 10 जा 180 होता है ना, 18 10 सार 180, तो 18 कम कर दो, तो आई थिंक 18 9 सार 162, तो ये बनेगा 0.9 है ना, 70 80। ठीक है, अब क्या चाहिए तुम्हें, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, तो कर लो, सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl मतलब HCl के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक के मोल अपॉन सब के मोल, तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना HCl के, तो इसके मोल ऊपर रख दो, तो हम कहेंगे ओके, दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.9, तो ये तो वैसे ही 1 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज 0.1 है ना, HCl के ही पूछे ध्यान रखना, तो HCl के 0.1। ठीक है, क्लियर है, सरल सरल सारे सवाल है ना, आराम से बन जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इजी क्वेश्चन करने से। ठीक है, चलो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो बच्चे एक तो तुम्हारे पास है इथाइल अल्कोहल, दूसरा तुम्हारे पास है वाटर। अब देखो इथाइल अल्कोहल 46 ग्राम, इथाइल अल्कोहल तुम्हारे पास 46 ग्राम्स है, और वाटर जो है वो तुम्हारे पास 36 ग्राम्स है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दोनों के मास तो है ना, मोलर मास, तो बच्चे इथेनॉल का मोलर मास चेक करो, 46 ही है क्या, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई विथ 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तुम्हारे पास 5 है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 46। मोल्स फाइंड कर लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 46 अपॉन 46, मोल्स हो गया 1, वाटर का मास 36 और मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है 18। नाउ मोल्स फाइंड करो, 36 अपॉन 18, मोल्स आ गए कितने, 2। या क्या पूछा आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, अच्छा दोनों ही बताने, ओके तो पहले इथाइल अल्कोहल के बताने, तो इथाइल अल्कोहल का मोल तो आया 1, टोटल है 1 प्लस 2, तो ये आ गया 1/3, तो अगर ये 1/3 है तो बचा हुआ 2/3, क्योंकि टोटल तो 1 होता है ना, तो अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो दूसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप 1 में से 1/3 माइनस कर दो, और ऐसे ही आपको पता है 2/3, तो 1/3 एंड 2/3, देखो उल्टा मत कर लेना जल्दबाजी में, पहले इथेनॉल लिखा है ना, पहले इथेनॉल फिर वाटर है ना, अब सोचो किस किस ने उल्टा किया, बताओ लिख के बताना कि हाँ मैंने उल्टा किया, ताकि ध्यान रहते बच्चे इतनी गलतियाँ करते, तो 1/3 और 2/3 बस ऑप्शन बी। ठीक है, और नहीं किया तो हाँ खुश होने की बात नहीं, ईजी है मैंने नहीं किया तो खुश होने की बात है, तो सरल वो गलती करनी ही नहीं थी। ठीक है, चलो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब दो चीज़ें देखो, एक तो तुम्हारे पास ग्लूकोज है और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, तो हम कह रहे हैं वाटर है। ओके, अब ग्लूकोज कितना है, तो हम कह रहे हैं देखो ग्लूकोज का मास है 360 ग्राम्स, ग्लूकोज का मास है 360 ग्राम्स, और वाटर का मास कितना है, तो भाई वाटर का मास है 864 ग्राम्स, 864 है ना 864 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो इसका मोलर मास, तो ग्लूकोज बेटा C6H12O6 कर लोगे, मोलर मास 180 आएगा, कार्बन का 12 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6, मोलर मास विल बी 180। और यहाँ मोलर मास की बात करें तो वाटर का मोलर मास तो सबको पता ही 18, सो दिस इज 18। नाउ मोल्स फाइंड कर लो, तो 360 अपॉन 180, ये तो 2 हो गया, यहाँ मोल्स फाइंड कर लो, 864 डिवाइडेड बाय 18, तो 864 डिवाइडेड बाय 18 कर दें तो 48। ठीक है, अब क्या करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक के मोल अपॉन सब के मोल, तो ग्लूकोज के मोल तो है 2, टोटल मोल्स है 2 प्लस 48, 2/50। ठीक है,
टू बाई 50 यानी कितना हो गया आपका पॉइंट 0.04, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.04। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, है ना? ओके चलो, तो 0.04 हमें मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन सारे के सारे मोलारिटी पे बेस्ड है। अभी तक ये थे मोल फ्रैक्शन, एक फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का, एक के मोल अपॉन सबके मोल। मोल का फॉर्मूला तो पता है ना, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास मोलारिटी पे बेस्ड, है ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 m। तो बच्चे मोलारिटी, है ना, मोलारिटी का फॉर्मूला तो याद, देखो एक बार बता रही हूँ, बाकी तो तुम्हें पता होना चाहिए। मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर, और मोल होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/वॉल्यूम सॉल्यूशन का। बाय चांस वॉल्यूम मिली लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, 1000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, अब सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो मोलारिटी तो मैं कहूँगी 0.1, मास तो तुम लिख दो x, मोलर मास तो तुम लिख दो NaOH का मोलर मास तो पता ही है ना बच्चे, NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सो दिस विल बी 40, ठीक है, इन 2000, और वॉल्यूम कितना है तो 250, तो 250 और 1000 फोर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू 10, है ना, तो x की वैल्यू हो गई 0.1, यहाँ 0.1 है और यहाँ 10 है, तो 0.1 इंटू 10, तो भाई ये तो आपका आंसर हुआ 1 ग्रह। तो अगर आपको 0.1 मोलारिटी का सोल क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको 0.1 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा, हाँ सॉरी 1 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा, 0.1 इंटू 10, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज पर 400 ml सॉल्यूशन। तो मोलारिटी तो फाइंड करनी है, गिवन मास 36, ग्लूकोज का मोलर मास अब बताने की जरूरत नहीं है, C6H12O6 180, वॉल्यूम ml में ना, तो 1000/400 सॉल्व कर लो, तो 18 और 36 टू टाइम्स कैंसिल हुआ, अब 1, 2, 3, तो हमारा आंसर है 2/4, 1/2, 0.5, तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम डिजॉल्व्ड NaCl, तो वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें कितना 200 ml, है ना, और NaCl का मास तुम्हें दे रखा है 5.85 ग्राम्स। अब तुम सबको पता है NaCl का मोलर मास 58.5 होता है, ठीक है। द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आंसर सारे मोलर हैं, मतलब मोलारिटी फाइंड करनी, तो बच्चे मोलारिटी का फॉर्मूला है गिवन मास 5.85 गिवन मास अपॉन मोलर मास इन 2000 और वॉल्यूम है 200, है ना, तो ये तो आया 5 और ये आया तुम्हारे कितना 10 बढ़ेगा, है ना, तो 5/10 यानी कि 0.5 मोलर, सो करेक्ट आंसर विल बी 0.5 मोलर यानी ऑप्शन सी, ठीक है, सिंपल है, देख लो, है ना, थोड़ा मैं आपको फ्री कर देती हूँ, आप आराम से आंसर चेक कर लो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी देर बात कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, 171 ग्राम केन शुगर 1 लीटर वाटर के अंदर है, मोलारिटी निकालो, तो गिवन मास 171, केन शुगर C12H22O11 याद होना चाहिए, एग्जाम में मोलर मास निकालने बैठोगे जब तक तो तुम्हारा नेबर 2 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा, तो ये पता होना चाहिए इसका आंसर 342 है, ग्लूकोज का 180 है, पानी का 18 होता है, ये सब चीज़ें फिक्स है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो याद होता ही है, तो दिस इज 342 और 1/1 कर दो ना, 1 लीटर पानी है, तो 171/342 कितना हो गया 1/2, तो 1/2 यानी 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है, तो यहाँ आपकी मोलारिटी आ जाएगी 0.5 मोल पर लीटर।
नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 m सोल्यूशन. तो मेरे पास मोलारिटी है, कितनी है 0.25. अमाउंट यानी मुझे मास तो फाइंड करना है, ग्राम्स के अंदर होगा. मोलर मास, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या भाई 106 होता है, चेक कर लो. सॉरी, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास Na2CO3. तो देखो 23 × 2 प्लस 12 प्लस 16 × 3 106. ठीक है, तो गिवन मास फाइंड करना है, मोलर मास 106 और वॉल्यूम है ml में है, इसलिए मैंने लिख दिया 1000/250. ठीक है, तो दिस इज 4 मास हमें फाइंड करना है. तो आपका मास हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई विद 106 डिवाइडेड बाय 4. सॉल्व कर लो भाई इसको. ठीक है, तो आपका मास आ गया 25 वन टाइम ले लूँ, 16 टाइम्स है ना ये. नाउ 106/16 तो कर लो, सॉल्व करो 106 का 16 टाइम्स. तो मुझे बताओ 6 तो है नहीं, 66 हो नहीं सकता, और 6.62 बिल्कुल 6.62 और 6.22 62 नहीं बनेगा क्योंकि वो तो 10 का होता है, 6.22 बनना चाहिए. तो मेरे हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं. चलो क्या है आपके पास, 106 डिवाइड बाय 60 में आसपास हो ना, तो थोड़ा है ना सतर्क हो जाया करो. आंसर जो है अभी दो ही ऑप्शन है, वैसे तो 6 point something आएगा, बट 6 point something में ये हुआ नहीं, लेकिन यहाँ फंस गए ना, 6 तो निकाल दिए फिर फंस जाऊँगी. तो करेक्ट आंसर जो है 6.625. सॉल्व कर लोगे ना 106/60. चलो नेक्स्ट है, 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2 L सोल्यूशन, मोलारिटी सिंपल है, गिवन मास 9.8, H2SO4 का मोलर मास 98. कर लोगे ना H2SO4, बोलो. देखो एक हाइड्रोजन एक, दो है तो दो से मल्टीप्लाई करो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, सो दिस इज 98. गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया × 1/volume. ठीक है, 1/20 यानी 0.05, 1/2.5 होता है ना, तो 0.05, तो यानी ठीक है. चलो व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम है भाई, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml. ठीक है, तो सॉल्व कर लो मोलैरिटी. तो गिवन मास हो गया 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है तो मोलर मास 40 × 1000 और 250. ठीक है, तो 250 और ये तो कितना हो गया 4, 4 कैंसिल, 5/10 0.5 m. ठीक है, तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आपको सॉल्व करना है. क्लियर? चलो 5.5 आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5.85 ग्राम NaCl, मोलर मास तुम्हें कितना दे रखा है 58.5, डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 L, मोलारिटी फाइंड कर लो. तो बच्चे मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन मास 5.85, मोलर मास NaCl है ना, तो मोलर मास क्या 58.5 × 1/0.5 कर लेती हूँ. ठीक है, ये कैंसिल हो गया है ना, यहाँ आ गया 10, ये भी हो गया 10, तो हमारा आंसर 1/5, गलती से ये मत लिख देना, 5 मत लिख देना, तो 1/5 यानी 0.2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बन जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
number of moles present in 2 liter of 0.5 mNaOH. So molarity equals to moles upon volume. मोलारिटी क्या होती है? मोल पर लीटर. मोलारिटी क्या होती है? मोल पर लीटर. ठीक है, तो मोलारिटी तो दी हुई है ना, 0.5 मोल फाइंड करना है और लीटर यानी वॉल्यूम, लीटर कितना है? 2. तो आपका मोल कितना हो गया? तो हम कहेंगे मोल तो 1 हो गया भाई, 0.5 × 2 यानी कि 1. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What volume of 0.8 mL solution contains 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट. अब क्या है वो कुछ नहीं पता है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है और आपके पास मोलारिटी है. तो हम कहेंगे लो मोलारिटी तो 0.8, मोल कितना है? 0.1. वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, अब वॉल्यूम अगर मुझे मिली लीटर में फाइंड करना है, आंसर मिली लीटर है ना, तो लीटर को 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 इधर आ जाएगा. समझे ना मेरी बात? देखो फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. अगर वॉल्यूम मिली लीटर में है तो 1000 से डिवाइड करो तो 1000 ऊपर आ जाएगा बस. तो अब चल लो, क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.1 × 1000 अपॉन 0.8. तो 1000 का 8 हुआ ऐसा, तो ऐसे ही कर लो. 1000 का आधा 500, उसका आधा 250, उसका भी आधा 125, और उसका नहीं, आधा आधा आधा. ठीक है, कितना होगा? 125 हो जाएगा ना. तो हम आंसर बना देंगे इसका 125. ठीक है, 16 times थोड़ा पूछा, 8 times पूछा ना, तो ये हो गया आपका 125. ओके चलो नेक्स्ट. 25 mL ऑफ 0.25 mNaCl सोल्यूशन. पहले कितना था? पहले कितना है? 25 mL. मोलारिटी कितनी है? 0.25 मोलारिटी. डाइल्यूट करके वाटर मिला के नया वॉल्यूम जो है वो 500 कर दिया. नया वॉल्यूम जो है वो 500 कर दिया. बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन है ना. तो आफ्टर वॉल्यूम कितना है? 500 mL. और मोलारिटी वो आप बता दो भाई. पहले ये कंडीशन थी, इतनी मोलारिटी का इतना सॉल्यूशन था, फिर पानी मिला दिया, वॉल्यूम इतना हो गया. नई मोलारिटी बता दो. तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा आपने प्रैक्टिकल में कितनी बार किया है. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन M1V1 इक्वल्स टू M2V2. तो M1 मोलारिटी 0.25, वॉल्यूम क्या है? 250 है, 25 ही तो है, 25. नया वॉल्यूम 500, नई मोलारिटी फाइंड करनी है. ठीक है, तो नई मोलारिटी 0.25 × 25 अपॉन 500. ठीक है, तो ये हो गया 5, है ना. 125 अपॉन 10^4 यानी 0.0125, है ना. 0.0125 नई मोलारिटी. क्लियर ना भाई? पहले इतनी मोलारिटी, इतना वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम इतना, नई मोलारिटी. तो बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर या मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2. तो M1V1 मतलब बिफोर में क्या सिचुएशन थी और M2V2 मतलब आफ्टर में क्या सिचुएशन है. तो हमारा आंसर है 0.0125. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 mL. मोलारिटी बताओ आंसर मोलारिटी में. अब देखो मोल्स पता चल जाए तो मोल का एक फॉर्मूला था ना, गिवन एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर. भाई अगर मुझे कोई नंबर दिया हुआ हो और मोल फाइंड करना है तो मुझे तो पता है ना एक मोल में इतना होता है. अब आपके पास जो भी नंबर है उसको मैं डिवाइड कर दूंगी, है ना. भाई मुझे इतना पता है एक डजन में 12 होता है. अब तुम कहोगे 6 पीस है तो मैं कहूँगी आधा डजन है, और तुम कहोगे 24 पीसेस है तो मैं कह दूँगी 2 डजन है, क्योंकि मैंने तो अपना दिमाग में 12 सेट करा कि 12 से डिवाइड कर दूंगी. तो एक मोल के नंबर से तुम्हें डिवाइड करना है. तो गिवन एंटिटीज तुम्हारी है 6.02 × 10^20. हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है 6.02
10 की पावर 23, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो। तो तुम्हारे पास मोल्स आए 10 टू द पावर माइनस 3। अब मोलारिटी फाइंड करना है, तो मोलारिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब भी मेरा आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 2, यानी 0.01 जो है दैट शुड बी मोलारिटी। तो अब चेक कर लो, मोलारिटी 0.01 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम NaOH इन 250 ml, ठीक है, NaOH 1 ग्राम है, मोलारिटी फाइंड करनी। तो बच्चे मोलारिटी होता है गिवन मास 1 ग्राम, है ना, मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। बोलो, मेरे से पहले करना है तुम्हें, है ना, तो ये कितना हो गया 4, और 4 बाय 40 कितना हो गया 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन 1, मोलारिटी विल बी 0.1, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे, रिवाइज मान लो, क्या ना, जिन्होंने पढ़ रखा है कि जेई में तो नहीं आते, ठीक है, रिवाइज, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी तो आता है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करें, ज़्यादा इजी होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत इजी, फिर ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कोई नहीं करता है, फिर गड़बड़ हो जाती है, इतना पढ़ने के बाद ऐसी ऐसी गलतियाँ कर ली, जिनका सिलेक्शन रुकता है ना, एक नंबर दो नंबर से रुक गया, तो ऐसा नहीं, वो होशियार नहीं है, वो अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट है, लेकिन सिली मिस्टेक्स पर फंस जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं सोचो, ये तो बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, सिंपल है तो तुम जल्दी कर लो, है ना। चलो, 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम सॉल्यूशन में है, आंसर मोलालिटी में देना है। तो बच्चे मोलालिटी याद है ना, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर फॉर्मूला लिखूं मोलालिटी का, मास अपॉन मोलर मास यानी मोल इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए ग्राम्स में, ठीक है, तो मोलालिटी, अब मास तो है तुम्हारे पास 18, ग्लूकोज है भाई C6, तो ग्लूकोज का मोलर मास है 180 इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 1000 ही तो है, तो तुम्हारा आंसर है 1/10 यानी मोलल मोलालिटी जो है दैट इज 0.1, तो इस बार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समझे ना, मोलालिटी 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल है, पानी में सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो 1 किलो वाटर के अंदर कितने मोल है, तो वाटर तो 1 किलो है, ये तो 1 kg था, इसको सेट कर दो, ये तो गया, बस मोल्स जो है वही आंसर है, तो भाई मोल्स तो तुम्हारा 18/180 है ना, तो 18/180 कितना होता है, तो हम कहेंगे 0.1 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल सुक्रोज 1 kg सॉल्वेंट, मोलालिटी बताओ। तो बच्चे मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, तो सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में और मोल्स, तो देखो मोल्स तो मेरे पास 10 है और सॉल्वेंट वाकई में 1 kg है, तो मोलालिटी आ जाएगी 10 mol/kg, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 400 ग्राम्स, मोलारिटी पूछा है, नहीं मोलारिटी नहीं, मोलालिटी फाइंड करनी भाई, गलती से प्रिंट हुआ ये मोलालिटी फाइंड करनी, ठीक है। तो चलो मोलालिटी की अगर मैं बात करूं, तो गिवन मास 5.3 मोलर मास आपको बताइए 106 इंटू 1000 और वाटर का मास है 400, ठीक है, तो 53 और 106 हो गया 2, और इसको क्या करूँ 4 और 10 को काट दूँ,
तो 2.5 होता है. ठीक है, तो इसी को काट देते ना, ये हो गया 500. तो मेरा आंसर जो आ रहा है दैट इज 5/40, है ना. अब आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 5/40. सॉल्व करके और इसको लिख दो. ठीक है, 4 × 4 और कितना हो गया, 4 × 8 एंड 5 / 10. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.125. क्लियर. तो अब तुम आंसर आपका हो गया कितना, 0.125. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इतना ग्राम HCl और वाटर. कर लोगे अब तो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है. तो बताओ मोलालिटी फाइंड करनी है. गिवन मास 18.25, मोलर मास, तो बच्चे HCl का मोलर मास 36.5 है ना, इनटू मोलालिटी फाइंड करनी है ना. वाटर का मास कितना, 500. तो ओके, अब मुझे बताओ 18.25 का डबल ही तो हुआ 36.5, तो मेरे पास कितना आ गया, 1000/1000, तो मेरे पास तो 1 आ गया, तो मोलालिटी शुड बी 1. ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1. क्लियर. चलो, तो यहाँ कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. सरल क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप 11th में भी है तो आप इनको जरूर करें. ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.